तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक अंडे बेचने वाला इंसान था और उसके अंडे आपस में झगड़े में टूट जाते हैं, तो जो अंडे तोड़ता है उसकी वो शिकायत पंचायत में आकर करता है और पंचायत वाले पूछते हैं कि कितने अंडे थे, तो ये बहुत शाणा इंसान होता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब उनको दो दो में आप गिनोगे, एक पेयर्स में गिनोगे तो एक बच जाएगा, जब तीन तीन करके गिनोगे तो दो बच जाएगा, और जब चार चार करके गिनोगे तो तीन बच जाता है, पांच पांच करके गिनोगे तो चार बच जाता है, और छह छह करके गिनोगे तो पांच बच जाता है, और जब आप सात सात के ग्रुप में गिनोगे तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो और साथ में बोलता है कि 150 यानी कि 150 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जो उसके बास्केट में आ सकते हैं, तो वो ऐसे बोल देता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, मान लिया कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ एग्स थे, वो एक्स थे, कितने थे एक्स, और आपने इसको पेयर्स में गिनना काउंट किया, तो आप किससे डिवाइड करोगे, टू से, और मिलेगा क्या n1, n1 क्या है, n1 वो नंबर ऑफ पेयर्स है, राइट, और बच क्या जा रहा है वन। अच्छा एक बार ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, और ये जो r है ये b है, राइट, तो r इज लेस देन b है या नहीं है, देखो एग्जैक्टली दिख रहा है, और वैसे ही a क्या है, a हमारे लिए अननोन है और यही हमें निकालना है, दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। q क्या है, n1, q वो नंबर है जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है, यहां पर कितने पेयर्स, दो दो के कितने पेयर्स बन रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जब भी आप x को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो n1 या कुछ भी नंबर मिलेगा और एक बच जा रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें ये जो इक्वेशन बनाई है ना, ये इक्वेशन हवा से नहीं आ गई, ये इक्वेशन यहीं से आई है, यही इक्वेशन है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग यूक्लिड्स डिविजन लेमा का ही यूज कर रहे हैं। और अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का गेम होगा, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। दो से दो दो के पेयर्स बना रहे हैं तो कुछ हमें वन मिल बच रहा है, ठीक है, ऐसे ही एक्स के अगर हम तीन तीन के ग्रुप्स बना रहे हैं तो हमें कुछ एन टू ग्रुप्स बन जाएंगे और मिलेगा क्या, दो बच जाएगा, यही तो रीति रखा है, हमें एन टू भी नहीं पता और एक्स भी नहीं पता है, यही हमें निकालना है, ये नहीं निकालना, हमें निकालना है एक्स, ओके, और अभी हम निकालते हैं। एक्स को हम लोग इन सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, जीरो, इसका मतलब 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट, और अंडे वाले ने ये बताया था हमें कि जो भी नंबर ऑफ एक्स थे वो 150 से कम हो सकते हैं, मैक्सिमम 150 आ सकते हैं उसके पास, राइट, तो 150 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हम वो देखेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, 7 से आप 150 को डिवाइड करिए, 2, 14, 1 कैरी 0, 7 बन जाओ 7, बचा क्या 3। अब या तो ये 21 टाइम्स क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का 21 से, और या फिर ये जो 3 है ना उसको आप 150 से डिडक्ट कर दीजिए, देखिए दोनों बार आपको एक ही आंसर मिलेगा, ये देखिएगा 150 माइनस 3 इज 147, ये कैसे किया, इससे आपने इसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ओके। दूसरा क्या है, 7 इंटू 21 जो आपको क्वेश्चन मिला था, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा 147, राइट, दोनों ही केसेस में देखिए आप, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिल रहा है 147, इसका मतलब क्या है, 147 इज अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, और साथ में 147 जो है वो 150 से छोटा है, जो उसने बताया हुआ था उसके बास्केट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स कितने आ सकते थे 150। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल तो 147 भी हो सकता है, राइट, अब 147 के साथ हम गेम खेल के देखते हैं, इफ यू डिवाइड 147 बाय 2 यू विल गेट 1, क्यों, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, इसका इवन प्लेस पर क्या है 7, 6 तो है नहीं, लेकिन 147 को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे ना तो कंप्लीटली डिविजिबल है, यू वॉन्ट गेट 2, कैसे मैंने पता किया, मैंने पहले से पता किया 147 में क्या हो रहा है 1 + 4 + 7, ये क्यों किया बताता हूं आपको, ये क्या आ जाएगा 12, 1 + 4 + 7 इज व्हाट, सम ऑफ डिजिट्स, और ये जो सम ऑफ डिजिट्स है वो निकाला वो 12 आ गया, एंड इफ दिस सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए 147 वो नंबर नहीं हो सकता, राइट। अब क्या हो सकता है, 147 है
इसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे जाओगे। नीचे जाओगे तो क्या करोगे, 147 से आप 7 डिडक्ट करोगे। 7 को करोगे क्योंकि 147 से 7 डिडक्ट करने के बाद ही जो नंबर मिलेगा ना, वही ऐसा नंबर होगा जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो क्या आ जाएगा, 140। लेकिन आप एक बात समझो कि जैसे ही आप 7 डिवाइड सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो जो नंबर मिल रहा है वो इवन हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए 0 है, जिस भी नंबर के वंस पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ भी आता है ना, वो इवन होता है। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। तो हो क्या रहा है, 140 जैसे ही हमको मिला वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2, 2 के जब आप पेयर्स बना रहे हो ना, तो आपको 1 बच जा रहा है, 1 इसका रिमाइंडर है। और इस वाले केस में आप देखो क्या हो रहा है, जैसे आपने 7 डिडक्ट किया तो ये तो इवन आ गया, इसका मतलब क्या करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। फिर आपने 7 डिडक्ट किया, यू गेट 133 में आप ये फिर से ट्राई करके देख लो, 133 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे 3 से करोगे तो क्या बचेगा, 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 1 अगेन, और यहां पे होना क्या चाहिए था, 2। सो 133 कैन नॉट बी द आंसर। अब इससे आप फिर 7 करोगे तो आपको पता है कि एक बार जब आप ऑड से ऑड डिडक्ट करते हो तो क्या मिलता है, इवन मिलता है, और इवन तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर अगर आंसर होगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, जबकि 1 है रिमाइंडर। इसलिए आप क्या करोगे, 7 की जगह आप 7 × 2 यानी कि 14 से इसको डिलीट कर दो, बच गया 119। अब हम लोग 119 के साथ ये करके देखते हैं कि ये 119 के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल है, लेकिन जो हमें अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें मिल गया है 119। ओके, क्या ये ऐसा नंबर है जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, लेट्स सी। 119 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे यू गेट 59 प्लस 1, इसका मतलब ये कंडीशन तो हो गई, यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा 59 और x क्या हो जाएगा 119। नॉट नेसेसरी ट्रू, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 39 + 2। ओके, ऐसे ही आप जब 4 टाइम्स करोगे इसको, 4 से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 119 = 4 × 3 मिल रहा है क्या, देखो ऐसा हो रहा है क्या, 29। ऐसे ही 119 को जब आप 5 से करोगे तो क्या मिलेगा, 5 × 23 + 4। देखो जब 5 का ग्रुप बना रहे हो तो 4 इज रिमाइंडर, और वही तो था यहां पर, देखिए दिख रहा है ना, यही तो है, जब 5 का आप ग्रुप बना रहे हो तो 4 इज रिमाइंडर, वही चीज यहां पर हो रही है। जब 4 के ग्रुप्स बनाए तो 3 बच गया, जब 3 का ग्रुप बनाया तो 2 बच गया, समझे। ऐसे ही 119 जब आपने किया और यहां पर 6 का ग्रुप्स बनाया तो क्या बचता है, तो बच गया 5। और हमें पता है कि 119 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 7, क्यों, क्योंकि आपने 147 से 7 या 7 का कोई मल्टीपल, ये भी 7 या 14 ए टू डिडक्ट किया था, 119 एक्चुअली क्या हो जाता है, 7 × 17 + 0, इसका मतलब 119 इज द आंसर। इससे क्या सीखा, क्या सीखा, इतनी देर सब किया, क्या किया, कोई फायदा हुआ, फायदा सिर्फ ये है कि इसमें हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कैसे यूज किया, ये जो कुछ भी लिखा था, जहां से हमने अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट किया था, वो पॉसिबल नहीं होता अगर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पता नहीं होता। और वो क्या है, फिर से वो क्या है, वो है ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बी इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर, इफ यू डिवाइड ए बाय बी यू विल गेट अ क्वेश्चन क्यू एंड अ रिमाइंडर आर, वेयर आर विल बी लेस देन बी बट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, राइट। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका एक और एप्लीकेशन है, बहुत शानदार एप्लीकेशन है। तो जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी ना, तो ऐसा था ना कि सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, ये सब नहीं, प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ कुछ प्रोग्राम्स लिखे गए थे स्टार्टिंग में, और उन्हीं में से जो पहला प्रोग्राम था ना वो इसी से रिलेटेड है। तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो आप जो ये सब देख पा रहे हो ये भी प्रोग्रामिंग की वजह से पॉसिबल है। तो सोचिए जो पहले प्रोग्राम्स लिखे गए थे उनमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को भी उस इस एल्गोरिदम को यूज किया गया था प्रोग्राम लिखने में, समझ लेना, मतलब इस एल्गोरिदम के ऊपर प्रोग्राम लिखा गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं अभी। If you like the video, please share it with your friends, give this video a thumbs up, subscribe to your own channel Apni Class, and do not forget to press the bell icon. Thank you very much. Have a nice day.